वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज हम कलर सैम्पलर टूल को सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखें तो टूल पैनल में आई ड्रॉपर के अंदर एक और टूल आ रहा है, कलर सैम्पलर टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। इसकी आई शॉर्टकट की है। कलर सैम्पलर टूल क्या करता है कि आपके किसी भी कलर के सैम्पल को पिक करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को पिक करता है, और वो आप अपने फ्यूचर में डिज़ाइंस में या वेब लेआउट के अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सो इसका तरीकाकार ये है कि आपको जिस भी कलर का सैम्पल चाहिए आपने उस पर जाकर क्लिक करना है, तो ये आपको यहाँ पर कलर पिकर का एक पॉइंट ऐड करके देगा, पिन कर देगा। और उसके नीचे देखें एक वैल्यू दे रहा है 1। इसका मतलब है कि हमने ये फर्स्ट कलर जो है वो पिक कर लिया, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहा है, देखें रेड ग्रीन और ब्लू। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्यूचर में डिज़ाइंस में या वेब लेआउट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप एक वक्त में 2 सैंपल 3 4 5 6 7 8, ये मैक्सिमम आप 10 सैंपल उठा सकते हैं, ये देख लें। और 10 के 10 सैंपल की जितनी भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रहा है, और आप अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जो पिन किया है इसे मूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके इनसाइड जाकर क्लिक करके आप इसे मूव कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आप चेक करें इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे ही आप इस कलर से दूसरे कलर में जाएंगे तो आपको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन चेंज होती हुई नज़र आएगी। देखें जैसे ही मैं मूव करके सेकंड कलर में जा रहा हूँ तो आपको देखें वो सारी डिटेल चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपकी परमानेंट वैल्यूज़ होती हैं, और ये आप जैसे जैसे आप इस पिन को मूव करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी चेंज होंगी। तो आपने ये सैम्पल उठा लिया है। अगर आपने कलर सैम्पलर डिलीट करना है, क्लोज करना है, सारे एक साथ क्लोज करने हैं, एक एक करके करना है, तो आप इसके बिल्कुल इनसाइड कर्सर लेकर जाएं और आल्ट प्रेस कर लें। जैसे ही आल्ट प्रेस कर लेंगे तो सीजर आ गया, आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सैम्पलर हट चुका है। एक साथ सारे सैम्पलर हटाना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर आकर क्लियर ऑल कर देंगे तो देखें वो सारे सैम्पलर क्लियर हो चुके हैं। सो अगेन हम दोबारा सैम्पलर उठा रहे हैं। मैं एक कलर सैम्पल पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से सैम्पल मैंने उठा लिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, और ये इन्फॉर्मेशन अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर मोड। अगर आपको RGB नहीं चाहिए तो आप यहाँ से CMYK के ले सकते हैं। देखें CMYK की डिटेल मिल जाएगी। इस आई ड्रॉपर के नीचे क्लिक करें और आप यहाँ से वेब कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे डिफ़ॉल्ट RGB रहने देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ प्लस के नीचे क्लिक करके आप इसके यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट इंचेज़ है तो आप यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सैम्पल को उठाकर कहीं पर भी मूव करना चाहें तो आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो क्लियर ऑल का ऑप्शन भी है, और आल्ट के साथ अगर आप इसके अंदर आकर क्लिक करेंगे तो वो जो कलर सैम्पलर का जो पॉइंट था, जो पिन किया था हमने, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे जो पिक्सल्स हैं, दो कलर्स के बिल्कुल एज पर मैं आ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर चेक कर लें हमारे पिक्सल्स शो हो रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उसने इस एक पिक्सल का सैम्पल उठा लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट है पॉइंट सैम्पल। अगर आप इस पर क्लिक करके 3x3 एवरेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी आप सैम्पल उठाएंगे ये उसके अराउंड से, ठीक है, ये उसके अराउंड से जो भी कलर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उठाकर यहाँ पर दे देगा 3x3 की रेंज से। 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से या 3 यहाँ से जो आपका कलर्स होंगे, डिफरेंट कलर्स, वो आपको ये पिक करके देगा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देगा। सो मैं दोबारा इस पर आल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लोज़ हो रहा है, आल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लोज़ हो रहा है, और Ctrl+0 फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ। तो इस तरह आप अपने इमेज से, अपने डिज़ाइन से या कलर पैलेट से कलर की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं और फ्यूचर में डिज़ाइन में और वेब में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।